जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संजय खान और आज मैथ्स में हम शुरू करेंगे एक चैप्टर जो है एवरेज। एवरेज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये उन बुनियादी चैप्टर्स में से एक है कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो इसका क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आके भी डरा सकता है, नंबर सिस्टम में भी आके डरा सकता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कहीं से भी इसका क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप में से कुछ बच्चों ने कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो भी आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को खुद कॉपी और पेन लेके सॉल्व करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कंप्लीट आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं। दूसरी बात कि आपको किसी भी किताब से करने की फ्रीडम है, मतलब प्रीवियस ईयर चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का हो, कोई भी पेपर हो दुनिया का, अगर बात एवरेज की होगी तो कॉन्सेप्ट हमारी इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो अब एवरेज होता क्या है? आप में से कुछ बच्चे कह देंगे सर एवरेज औसत होता है। अगर मैं आप में से कुछ बच्चों की बात मान लूं तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई आपने मुझे एवरेज की हिंदी बताई है, आपने एवरेज का सही मतलब नहीं बताया। तो सही मतलब पता लगाने के लिए चलते हैं इन बहन जी के पास, आखिर पूछते हैं ये क्या कहना चाह रही हैं। ये कहती हैं ऑन एवरेज व्हेन पीपल से एवरेज दे मीन मीन। अब यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, एवरेज का मतलब मीन है ना, और ये मीन क्या होता है? एक्चुअल में मीन वो है जो आप 10th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ कर आए हो। मीन जब हम निकालते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए तो हम वहाँ पर एक्स बार लिखते थे, आपको याद होगा, आप इसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया करते थे एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तो एवरेज ही मीन है और मीन ही एवरेज है, दोनों बातों से क्या मतलब पता लगता है? दरअसल इस इक्वेशन से हमें एवरेज की डेफिनेशन या ये कहिए फॉर्मूला पता लगता है। किसी भी कंडीशन में जब हम एवरेज को पढ़ेंगे तो हम केवल एक ही बात आपने पढ़ी होगी कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनके लिए जो पहली पिक्चर है आप उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो मीन निकलता था, मीन का जो फॉर्मूला होता था वही एवरेज है। चलिए एवरेज की हमें डेफिनेशन मिल गई और फॉर्मूला भी मिल गया, तो अब चलते हैं इस सेकंड पिक्चर पे। ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं एक बार इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बताइए एवरेज क्या है? तो ये कह रहे हैं भैया कि आई एम समवेयर इन द मिडल, मतलब एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं ना कहीं बीच में होगी। दरअसल दोनों ही ठीक हैं, कंप्लीटली ठीक कौन है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। अभी पहले हम इनकी बात को जस्टिफाई करते हैं कि एवरेज जो है वो समवेयर इन द मिडल कैसे है। तो याद रखिएगा जब भी चीजें कंसेक्यूटिव होंगी, जब भी नंबर्स कंसेक्यूटिव होंगे लगातार चलेंगे, जैसे पहला नंबर आया एक, दूसरा नंबर आया दो, तीसरा आया तीन, चौथा आया पांच और चार और पांचवा आया पांच, मुझे इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मुझे फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना चाहिए था? मुझे करना चाहिए था इन सबका सम। चलिए मैंने सम कर दिया, सम करके कितना आया 15। 15 को हम नंबर ऑफ टर्म्स 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या एवरेज पता लगा? एवरेज पता लगा 3। तो इनके हिसाब से ये जो कह रहे थे कि एवरेज इज समवट दैट इज इन द मिडल, और मिडल में हकीकत में 3 था। तो जब भी कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर में सेम होगा, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ओड नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो, एक लगातार एक क्रम में जब हम बढ़ रहे हैं, एक सीरियल में जब हम बढ़ रहे हैं, तो जो एवरेज होगा वो मिडल का नंबर होगा। अब मैं दोनों की बातों को प्रिसाइसली आपको सामने आपके में रखने वाला हूँ, आपको दिमाग में सेट करके चलना है चीजों को। दोस्तों एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो सभी के लिए बराबर होती है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहला नंबर 3 होता, दूसरा भी 3 होता, तीसरा भी 3 है, चौथा भी 3 है और पांचवा भी 3 है, तब भी इनका सबका सम करने पर कितना आता? 15 आता। सबका सम करने पर कितना आता? 15 आता। 3, 6, 9, 12 और 15, और गिनती की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 से हमने भाग किया तो 15 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो भी औसत 3 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज इज द वैल्यू दैट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी टर्म। तो यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। और अब प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के अंदर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था,
ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है आपसे कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। 12 नंबर उसने दे रखे हैं, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड x। एक्स अननोन है, पता नहीं है हमें। कह रहा है ही फाउंड द मीन टू बी 12। उसने ये पता लगाया कि जो मीन की वैल्यू है ना वो 12 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक बेसिक तरीका क्या कहता है आपसे कि जब भी मीन होगा तो वो एवरेज होगा, आप लिख लो 12, जो एवरेज है वो 12 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब वो एवरेज आया कैसे होगा, इन सबको ऐड करके आया होगा, इन सबको ऐड करके आया होगा। तो मैंने इन सबको ऐड किया, इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर में लिखने के लिए, तो आप भी कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं ऐड ही कर रहा हूँ, है ना, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, एक्स को भी ऐड कर लेंगे, तो क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से जोड़ के बता देते हैं आपको कि क्या आने वाला है। 11 एंड 9 कितना होता है, 20, बड़ी बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं। प्लस 17 और 13 कितना होता है, 30, चलिए ये भी लिख लिया। 19 और 21 कितना होता है, ये होता है 40, बहुत अच्छी बात है। 7 एंड 3 कितना होता है, 10, ये हो गया 10। आगे क्या बचा, 15 एंड 14 कितना होता है, 29, 29 लिख लेते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं 29 और 8। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैं इन 20 और 30 को भी ऐड कर सकता हूँ, सब कुछ हमने लिख लिया है। 20 एंड 30 कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 50। साथ में हम x को भी लिख लेते हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। गिनती की कितनी टर्म्स है, जल्दी से बोलो, 12 टर्म्स हैं, 12 टर्म है और मीन भी 12 है, तो नंबर ऑफ टर्म हमने नीचे लिखी, 12 लिखी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 144। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा इन सब का समेशन। तो 50 एंड 10, 60 एंड 40, 100, 129, 137, 137 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी 144 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 137, तो आपको एक्स का मान मिल जाएगा कितना आ गया, जल्दी से बोलो, 7। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं कुछ, मेरे को जोड़ना पड़ेगा, वेन एवर आई हैव टू ऐड समथिंग, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसी वैल्यूज को चुनूंगा जिसमें सम में यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, यही आपको सीखनी है। समझ आया भाई, फटाफट से बताओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई एंड एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये CHSL में भी आया हुआ है, CGL के एग्जाम में भी पूछा गया है पहले, और कितने ही एग्जाम्स में हम इसको देख चुके हैं, और जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, या ये कहिए कि इस मेथड पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो केवल एवरेज में नहीं आएंगे, वो परसेंटेज में भी आएंगे, नंबर सिस्टम में भी आएंगे, फिर वही सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे मिक्सचर रिलेशन के अंदर भी आएंगे, एंड सेम टाइम कम्स इन किसके अंदर, फटाफट से बताओ। नहीं पता, मैं बता देता हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक्स नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जल्दी से बताओ, एक्स, अगर नंबर्स हमारे पास एक्स होंगे, ठीक है भाई, जिनका एवरेज क्या होगा, वाई होगा। अगर हमारे पास वाई नंबर्स होंगे तो उनका एवरेज एक्स होगा। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको नंबर्स दिए जाएं, आपको एवरेज दिया जाए, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करा के हमेशा सम निकाल सकते हो कि भाई उन ऑब्जर्वेशन का सम क्या रहा होगा। तो एक्स नंबर्स जिनका एवरेज वाई है उनका सम हो गया एक्स वाई, वाई नंबर्स जिनका एवरेज एक्स है उनका भी सम क्या हो गया एक्स वाई, क्योंकि वाई एक्स को भी हम अलजेब्रा की फॉर्म में एक्स वाई लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी एक्स वाई लिख दिया। अब क्योंकि हमें बताना है सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा टुगेदर, तो टुगेदर के लिए मैंने पता लगाया कि सबका सम कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल सम। अगर मैं टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या पता लगेगा, मेरे को पता लगेगा मेरा डिजायर्ड आंसर जो कि मुझे चाहिए, एवरेज मुझे बताना है तो एवरेज पता लग जाएगा। टोटल नंबर्स कितने हैं फटाफट से बताओ, टोटल
टोटल नंबर्स हो जाएंगे एक्स एंड वाई, यानी इनको ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, 2xy, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई से। तो दैट्स इट, दिस इज इन ऑप्शन नंबर टू। बहुत ही आसान सा सवाल था, इतना आसान क्वेश्चन अगर पेपर में मिल जाए तो क्या आप उसको छोड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हम कुछ कोशिश करेंगे कि पहले सीखे मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालते हैं, फिर वहाँ ट्रिक पॉसिबल होगी तो हम ट्रिक का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहे द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास इज 33, द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस कंबाइंड टुगेदर। मैंने बोला बच्चे ये टाइप बहुत अच्छे से समझना है, सेम टाइप पे मैंने आपको फिर क्वेश्चंस कराना है परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे या आपने अगर पढ़ लिया है वीडियो से देख के, तो आपको ये पता लगा होगा कि इसी मेथड से हमने वहां पे पूरा का पूरा एवरेज मिक्सचर और एवरेज मिक्सचर के साथ में जो मतलब बेसिक ट्रिक थी उन सबको हमने कर लिया है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ देखो आपसे। चलो अब आप में से कुछ बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया फटाफट से एक बार ट्राई कर लो। आपको बस एक ही चीज करनी है, बॉयज कितने हैं नंबर्स में देखने हैं आपको, है ना, नंबर ऑफ बॉयज आपको देखना है सेक्शन ए में ऑफ क्लास एक्स कितना है जल्दी से बोलो, 32 बॉयज हैं और उनका एवरेज क्या है ये भी हमें देखना है। एवरेज कितना है भाई, एवरेज है 60। वही सेम क्लास में जो बी सेक्शन है, सेम स्कूल में या क्लास में, क्लास बोल रहे तो क्लास ले लेते, क्लास एक्स के अंदर जो सेक्शन बी है उस बी सेक्शन में 40 लड़के हैं और उनका एवरेज कितना है, 33। आपको सबका एवरेज बताना है, तो सबका एवरेज बताने के लिए आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। अब देखो आपने क्या किया, आपने किया है 32 की मल्टीप्लाई 60 से और 40 की मल्टीप्लाई की है 33 से, फिर उनको ऐड किया है क्योंकि आपको सबका एवरेज बताना था। तो जो एवरेज हो जाएगा इस तरीके से, हमें इसकी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, 6 2 12 कैरी 1, 18 एंड 1 19, 19 20 यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ से मिलेगा 132, यानी 0 और लगा देंगे, 1320, और टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 72। तो आप लोगों ने इसी तरीके से किया है, मुझे मालूम है कि आपने ऐसे ही किया है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये आम जिंदगी है, ये कैसी जिंदगी है भाई। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने बोला जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिलहाल आंसर तो निकाल ही लो जब आपने निकाल लिया है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर मेरे पास 324 लिखा है और 72 से मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 45 आंसर हमारा आ जाएगा। तो जब मैं इसको कट किया तो आएगा कितना हमारा आंसर, 45। न मैंने इसको 9 से कट किया, 9 8 ज़ा 72, 9 3 ज़ा 27, बच गया 54, 9 6 ज़ा, और फिर ये चला गया, और 8 से जब हम इसको काटेंगे 32, बच गया 4, 40 8 5 40, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने डिवाइड किया था ओरली तो मुझे पता लग गया कि भाई 45 आ रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला कि इस तरीके से नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन हमें यही बताता है कि भाई कोई भी हमें नंबर्स पता हो उनका एवरेज पता हो तो मल्टीप्लाई कर लो, सम आ जाता है, सम आ जाएगा तो एवरेज भी आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इसको कैसे करेंगे, तो भैया कैसे करने के लिए पहले मुझे इसको लगाना पड़ेगा ठिकाने। तो चलिए इसको ठिकाने लगाते हैं, पहले ऊपर की तरफ कर देते हैं हम इसको, ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या करना है पेपर में और क्या नहीं करना है। तो ये आम जिंदगी नहीं जीनी है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस को करके आना है। तो कैसे करेंगे भाई, मैं आपको वही तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखना है, कुछ भी अलग नहीं करना, समझो बात को। सबसे पहले आपको देखना है एवरेज मार्क्स कितने बच्चों के दिए गए थे। तो हमने लिखा नंबर ऑफ बॉयज, ए सेक्शन में 32 32 लड़के हैं और बी सेक्शन में हमारे पास 40 बच्चे हैं। हमने कहा कि भाई इनके एवरेज मार्क्स हमें पता है, एवरेज मार्क्स
ए सेक्शन वालों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 60 और बी सेक्शन वाले बच्चों के मार्क्स हैं 33। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम चीज़ें लिख दी आपने, तो मैं अब आपको एक सिंपल सी बेहतरीन सी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको ये नंबर्स में कुछ ऐसी वैल्यू दी जाएं जिनका रेशियो लेना पॉसिबल हो, जिनका रेशियो लेना पॉसिबल हो, तो हम कभी भी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं रेशियो लेता 32 और 40 का, तो वो रेशियो आता 8 से अगर हम कट करें, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, ठीक है। तो मेरे को खाली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है अब। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय अ लार्ज नंबर जिसमें टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा ही लगेगा, आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका आंसर फटाफट निकल जाए। बोलो बातचीत समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इजिली कर लिया, कितना आया ये 240, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई इजिली हो जाएगा। 35 जा 150 होते हैं, 150 में 15 ऐड कर दो, 165 आ जाएगा। और डिवाइड अब आपको किससे करना है, 9 से करना है, क्योंकि जो एवरेज जो निकलेगा वो 32 और 42 से नहीं, 40 से नहीं निकल रहा, उनके रेशियो से निकल रहा है। रेशियो की टोटल की वैल्यू जितनी आ रही उससे अपन डिवाइड करेंगे। तो कितना आया भैया, ये आया 5 6 एंड 4 हो गया 10, कैरी 1, ये हो गया 405 डिवाइड बाय 9। व्हेन यू डिवाइड 405 बाय 9 यू विल गेट 45। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप फंडा सीख गए हो कि क्या डिफरेंस है इस अहम जिंदगी वर्सेस मेंटोस जिंदगी के मेथड में, कहाँ सिलेक्शन होता है और कहाँ से सिलेक्शन रुकता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पर अब आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन आप करके दिखाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट को बताने वाला क्वेश्चन है आप लोगों को। देखो कभी भी कोई भी एवरेज हो, कोई भी एवरेज कितने ही भी नंबरों का, अगर हम हर एक नंबर में कुछ ऐड करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म अगर हम ऐड करते हैं, लेट सपोज के इन ईच टर्म, तो एवरेज, न्यू एवरेज जो होगा वो क्या होगा, न्यू एवरेज जो होगा, जो हमारा पुराना एवरेज था उसमें हम के ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम के ऐड ऐड करते चले जा रहे हैं, बस हमें वही दो ऐड कर देना है क्योंकि उतना ही एवरेज बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, क्या लिख देता हूँ ऐड के साथ में, अब आगे इसके बाद और क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास में तीन नंबर हैं, लेट से 1 3 एंड 5, लेट से अगर मैं इसमें एक एक ऐड करता हूं, तो बताओ एवरेज क्या होगा। देखो पहले अगर आप एवरेज निकालोगे तो सबका सम करना पड़ेगा, 5 3 8 एंड 1 9, 9 बाय 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो एवरेज पहले कितना था, 3। जब आपने 1 1 सबके अंदर ऐड किया तो कायदे से एवरेज क्या हो जाना चाहिए था कि जो पुराना एवरेज था उसमें आप एक ही जोड़ देते, डायरेक्ट आपको मिल जाता नया एवरेज 4 होगा। तो आप देखो 2 4 और 6 का जब आप सम करोगे तो 12 आएगा, 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 ही तो आएगा। तो मींस ऐड और सब्ट्रैक्शन आप समझ गए, तो जो चीज ऐड और सब्ट्रैक्शन में होती है वही चीज होती है किसके अंदर दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसको, किसी भी नंबर को नहीं, कह लो ईच नंबर को, ईच नंबर बाय के, तो एवरेज जो होगा ना वो हो जाएगा जो भी आपका एवरेज था, आप उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहना चाहिए हमें कि अगर ईच नंबर को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज 10 नंबर्स का जो 7 था, तो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 84। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई तो बहुत ही खूबसूरत बात है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से करके बताओ। कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्रीज 12,000, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज 15,000, फीमेल एम्प्लॉय 8,000, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय। कभी भी ना आपको कंडीशन मिले, परसेंटेज के चैप्टर में भी मैंने बताया है, तो परसेंटेज में हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि अगर मेरे पास बॉयज हैं, अगर मेरे पास गर्ल्स हैं,
बॉय और गर्ल्स को मैं संबोधित करना चाह रहा हूँ, उनको बुलाना चाह रहा हूँ केवल एक वर्ड से जिसमें वो दोनों इंक्लूड हो जाएं, यानी मैं मिक्सचर को देखना चाह रहा हूँ। तो बॉय और गर्ल का मिक्सचर हो गया स्टूडेंट। आप में कुछ लड़के भी मेरी क्लास देख रहे हैं, कुछ लड़कियां भी देख रही हैं। अगर मैं कहूँ बॉयज़ लिसन, तो लड़कियां कहेंगी चलो ठीक है हम इतने कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बात तो सर बॉयज़ से कर रहे हैं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमें तो बस खाली क्वेश्चन आता है सोल्व करना रहता है, हमसे तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गर्ल्स लिसन, तो इस बार बॉयज़ कहेंगे वाह सर वाह, हमने तो कोई काम दिया ही नहीं आपने। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स लिसन, तो आप क्या कहेंगे ये भाई बहुत ध्यान से सुन लो सर, हमें बोल रहे हैं, यानी बॉय को भी और गर्ल को भी। तो वहां स्टूडेंट किसका मिक्सचर हो जाएगा, बॉय और गर्ल का। समझ आया आपको? जैसे वाटर है, वाटर और मिल्क अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, क्वांटिटीज उनकी अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूं मिल्क और वाटर को मैंने मिक्स कर दिया, तो मेरे लिए मिक्सचर जो होगा ना दोनों का, वो बिल्कुल मिल्क प्लस वाटर वाला जो सीन होता है वो मिक्सचर हो गया। अब यहां समझो, अगर कभी भी आपको सेंस आ गया कि भाई इसके अंदर तो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप ये देखो क्वेश्चन के अंदर कि तीनों में जीरोज कितनी है। अगर आपको नंबर कुछ ऐसा मिल रहा है सैलरी वाला, इनकम वाला, पॉपुलेशन का, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं, जैसे 12,000, 15,000, 8,000, सबके अंदर कितनी जीरो है भाई, सबके अंदर तीन जीरो है, तो ये मेरी किसी काम की नहीं है, सबसे पहले तो इन्हें उड़ा दो, सबसे पहले उड़ा दो इनको। अब क्या करें आप देखो, मंथली सैलरी जो थी सभी एम्प्लॉयज की कितनी थी, 12। मेल की कितनी थी, तो लिख लो मेल, मेल की थी 15। 1,000 लिखने की जरूरत नहीं है। फीमेल की कितनी थी, फीमेल की थी 8। 1,000 लिखने की जरूरत नहीं है। सभी इंप्लॉयज की कितनी थी, 12। 12 को लिखो बीच में, इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा वैसे कम को घटाना होता है, 15 ज्यादा है 12 कम है, तो यहां आ जाएगा 3। 12 ज्यादा है 8 कम है, 12 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 4। रेशियो क्वांटिटी का होता है, संख्या का होता है। तो अगर इस ऑफिस के अंदर चार मेल आदमी हैं, चार मेल काम करते हैं, तो तीन फीमेल काम करती हैं, ये रेशियो होगा मेल और फीमेल का। कहाँ दिया है 4:3, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। आई होप कि इतनी बातचीत क्लियर है मेरे दोस्तों, अब आप सीख गए हो सवाल नंबर 5। तो अब बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 6 पे। देर आर 100 स्टूडेंट्स इन थ्री सेक्शंस ए बी एंड सी ऑफ अ क्लास, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल थ्री क्लास वाज 84, द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5। अब देखो बी और सी का अलग अलग नहीं दिया, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का एवरेज हमें पता है कितना है, 87.5। एवरेज मार्क्स ऑफ ए, ए का भी पता है 70, और सबका पता है, पूरी तीन सेक्शंस का पता है, ए बी सी का सबका पता है कितना है, थ्री सेक्शंस हैं सबका एवरेज कितना है, जल्दी से बोलो 84। तो जो वैल्यू है 84, 87.5 से कम है, तो 87.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 84 को, कितना आया जल्दी बोलो, 87। और इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर दो 84 में से 70 को, कितना आ जाएगा यहां से जल्दी से बताओ, यहां से आ जाएगा दोस्तों 14, उधर से आया 2.5। अगर मैं इसको पॉइंट को हटाता हूं तो इधर आ जाएगी 0। एंड जब हम इसको कट करेंगे तो 100 तो डिवाइड नहीं होगा। ओके, हमने क्या कोई मिस्टेक की, बिल्कुल की हमने, यहाँ सब्ट्रैक्शन में देखो यहाँ पे 3.5 आना चाहिए था। तो जब आप करोगे ना क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इजीली पता लग जाएगा, अगर कहीं माइन्यूट से मिस्टेक भी हो रही है तो आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो उसको। 87.5 और 84 का डिफरेंस 3.5 होता है। अब 3.5 यानी कि पॉइंट हटके आ गया 0, तो ये हो गया 35 1 जा 35, 35 4 जा 140। तो जो रेशियो आया 1 और 4 का आया, ये 1 और 4 क्या बताना चाह रहा है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि सभी सेक्शन ए बी सी को अगर हम कंबाइंड तौर पर देख लें, तो ए में अगर एक बच्चा पढ़ता है तो तीनों सेक्शन में मिला के कितने बच्चे पढ़ेंगे, 5, क्योंकि 2 में कितने पढ़ते होंगे, 4। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि अगर तीनों सेक्शंस में 5 बच्चे हैं, अगर तीनों सेक्शंस में कितने बच्चे हैं भाई, 5, तो वो तो 100 के इक्वल है।
गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 की वैल्यू कितनी है? 100। वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए में तो ऑलरेडी 1 था, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100/5 आप करेंगे, कट कटा के आपको सीधा आंसर दिखेगा जो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये भी मिक्सचर मेथड का क्वेश्चन था, एवरेज की फॉर्म में है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कितना बताया आपको कि भाई किस किस चैप्टर में आपको परेशानी आ सकती है अगर आपने एवरेज नहीं पढ़ा। तो हमें किसी भी चैप्टर में परेशानी नहीं आएगी अगर हम कायदे की पढ़ाई करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है दोस्तों, 3 साइंस क्लास ए बी एंड सी टेक ए लाइफ साइंस टेस्ट। इन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट कराया, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए 83, बी के 76 एंड सी के कितने थे? 85। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए एंड बी इज 79। तो अब आप बताओ कि ये ए और बी जो है 79 वाली बात, क्या मुझे ए और बी के बीच में लिखनी चाहिए? बिल्कुल। और बी और सी का कितना है? 81। 81 वाले को हम 81 में लिखेंगे, मीन्स बी और सी के बीच में लिखेंगे। तो अगर मैं पहले ए और बी को देखूं, क्या मुझे ए पता है? यस। क्या मुझे बी पता है? यस। क्या मुझे ए एंड बी दोनों की वैल्यू पता है? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 79 में से 76 गया, कितना बचा? 3। और अब इधर से हमने 83 में से 79 को सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना बचा यहाँ से? यहाँ से बचा 4। तो मुझे क्या पता लगा कि मुझे पता लगा कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब आपकी बारी है, आपको कुछ सोचना होगा कि अगर आप बी और सी के मिड वैल्यू को देखें जो 81 है, तो 81 76 से ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 5। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें 85 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे? यहाँ से मिलेगा 4। तो ये 4 जो वैल्यू है ये किसकी होने वाली है? ये वैल्यू होगी बी की। और 5 किसकी वैल्यू है? 5 वैल्यू है सी की। तो अब हमें एवरेज स्कोर बताना है ए बी सी का कंबाइंड क्या है। ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हम ये पता ना लगा लें कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है। और इसको पता लगाने की एक मस्ट कंडीशन है, वो मस्ट कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर जो बी कॉमन आ रहा है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं है तो ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा बढ़िया सा डिजाइन बना देते हैं, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और डिजाइन बन के रेडी। चलिए, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं भाई? सेम है। इस बात पे थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर आपने इतनी बात पे गौर कर लिया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। इसको पहुंचा देते हैं थोड़ा सा साइड में, चलो भाई, ताकि आपको समझ में आए। तो अब हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो एबीसी का रेशियो है वो है, ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू अगर 4 है तो सी की वैल्यू है 5। हमें इनके मार्क्स भी पता है, ए के मार्क्स थे कितने से जल्दी से बता दो फटाफट से। एवरेज जो मार्क्स आ रखे हैं 83, बी के कितने हैं? 76 और सी के कितने हैं? 85। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, के ए बी सी की जो वैल्यू है ना, जो हमने यहाँ पे निकाली है रेशियो के फॉर्म में, थोड़ा सा मैं सबको सेट कर देता हूँ, सब जो है आगे पीछे हो रखे हैं। ना, ए को ठीक से लिख देते हैं, समझो। तो इसका क्या मतलब आया? इसको ये मतलब पता लगता है कि जो ए के अंदर है अगर 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं, बी के अंदर अगर 4 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सी के अंदर अगर 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्लास ए का एवरेज था 83, क्लास बी का एवरेज था 76, क्लास सी का एवरेज था 85। तो मुझे कैसे पता लगे कि सबका एवरेज क्या है? तो सबके लिए तो मुझे सबका सम पता लगाना पड़ेगा, समेशन ऑफ ए बी सी है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लगाना पड़ेगा। चलो ये भी पता है अब हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। कैसे पता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 3
फोर और फाइव को ऐड करने के बाद, 5 एंड 4 9, 9 एंड 3 कितना 12। 83 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता लगेगा ए के कुल कितने स्टूडेंट्स के कितने टोटल मार्क्स मिले। तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। बी के नंबर आए 6 4 जा 24, कैरी 2, 7 4 जा 28 एंड 2 30। अब यहाँ पे 4 25, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ, इन सबको क्या कर लूँ भाई, मैं ऐड कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि एबीसी का सबका सम कितना आया। दिस इज 5 4 9 9 18, कैरी 1 3 एंड 4 7, 7 एंड 2 9। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आता है, 12 8 जा 96, कितना बचेगा 18, 12 1 जा 12। अब जो 6 बचेगा वो जा नहीं पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। 6 बाय 12 कितना होता है, हाफ होता है, यानी 60। अगर पॉइंट लगा के जीरो भी लगा रहे हो तो 81.5 पे ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे 7th क्वेश्चन का, बड़े से क्वेश्चन का, डरावने से क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर आया 81.5। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात हमने सीखी, जो समझी है वो हम याद रखेंगे हमारे एग्जाम हॉल तक, क्योंकि इससे आसान तरीका पॉसिबल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये सवाल इसलिए कराया है क्योंकि आप जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो वो एक एग्ज़ाम होता है दास ग्रेड 2 का, DSSB, यानी दिल्ली के अंदर ये पेपर होता है, इसको मिनी IAS बोलते हैं, PCS बोलते हैं दिल्ली का। क्योंकि इसके अंदर जब आपकी वैकेंसी निकलेगी और आपका की ज्वाइनिंग होगी तो एक तो आप एज ए सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करेंगे, सेकेंड थिंग कि आप दैनिक्स बन के रिटायर होंगे, बीच में आपको बहुत सारी सर्विसेज में आपका योगदान देने का अवसर भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसके एग्ज़ाम 2017 के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप CSET के लिए तैयार हो जाएं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSC की और CSET में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में प्रोबली आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 70, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड द लास्ट 7 इज 75, फाइंड द 7th रिजल्ट। इजी क्वेश्चन है। और अगर मैं अभी 2022 की बात करूं तो इस साल इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं पहले बेसिक बताता हूं, फिर आगे मैंने वो क्वेश्चंस अपनी स्लाइड्स में ले रखे हैं तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा। तो पहले बेसिक समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो 13 रिजल्ट्स बोल देता है, उसमें कुछ नंबर वो स्टार्टिंग के बताएगा, कुछ लास्ट के बताएगा और आपको एक नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको ना काउंटिंग में मेरे दोस्तों एक बनाना है। अब एक कैसे आएगा, आपको कुछ टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, उनको किसी एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको वो एक बनता हुआ दिखाई देगा। देखो कैसे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, फिर मैं आपके सामने सारे नंबर रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। मेरे पास 13 रिजल्ट है, बाद में मेरे पास 7 रिजल्ट है और बाद में लास्ट के 7 रिजल्ट है, तो मैं क्या 7 और 7 को ऐड कर दूं तो मेरे को 14 रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर मैंने उन 14 रिजल्ट्स में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आंसर आ जाएगा, केवल 1 रिजल्ट का आंसर होगा। तो डायरेक्ट हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटी गलती बताता हूँ कि बच्चा क्या करता है, वो एवरेज को भूल जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट 75 लिखते हैं और 65 लिखते हैं और फिर उसमें से 70 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये गलत है, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट एवरेज लिख दिया। हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को, अब आप बोर्ड पर देखेंगे, सामने आपके 13 आपको नंबर्स दिखाई देंगे और दो अलग अलग कलर में हमने इसको लेकर आपको रिप्रेजेंट में करने वाला हूँ। तो अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। अगर मैं पहली लाइन पढ़ूं जो बता रही है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 70, तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज है। इन 13 नंबर्स को जब मैं 70 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इन पूरे 13 नंबर्स का सम पता लगता है। सम आता है 910। ये कहता है फर्स्ट 7 नंबर्स का 65 है,
पहले 7 नंबर मुझे 1 से लेकर 7 तक की गिनती में लिखे हुए दिखाई देते हैं। अगर नंबर 7 हैं और उनका एवरेज 65 है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 465 या 455। एक बार देख लेते हैं, 427, 6 42, 75 35, 455 हमें मिलेगा, बिल्कुल। और जो लास्ट के 7 हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो लास्ट के 7 हैं उनका सम 7 नंबर्स होने की वजह से 7 से मल्टीप्लाई होके निकलेगा। और एवरेज कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो 490 में जब हम 35 ऐड करते हैं तो आता है 525, इनका सम हुआ 525। तो अब आप खुद देखो, आप देखकर समझ गए होंगे कि जब शुरू के हमने सबका टोटल निकाला तो आया कितना, 910, 910। लेकिन जब शुरू के 7 का टोटल आया और उसमें लास्ट के 7 का टोटल जब हम ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, 455 में जब हम ऐड करते हैं 525 को, तो हमें कितने नंबर्स मिल जाते हैं, हमें नंबर्स मिल जाते हैं 1 सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ, हमें कितने नंबर्स मिल जाते हैं, 1 to 13 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 से लेके 7 तक ये रहे, 8 से लेके 13 तक ये रहे, एक एक्स्ट्रा नंबर भी मिल गया मुझे, वो कौन सा है, वो है मेरा 7th रिजल्ट, जिसके बारे में मेरे से इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, 455 प्लस 525 प्लस 7th रिजल्ट, इन सब का सम कितना, 7th रिजल्ट। और ये जो है ना, ये किसके बराबर है, फटाफट से बताओ। इतनी वैल्यू तो मेरे पास 13 रिजल्ट के सम की भी है। अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं, मैं ये 910 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को 7th रिजल्ट मिल जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो हम इसमें से 910 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 7th रिजल्ट ही तो मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में किसके बराबर है, 13 नंबर्स के सम के बराबर है। तो 5 एंड 5 कितना हुआ, जल्दी से बोलो, 10, कैरी 1, 5, 6, 6 एंड 2 कितना हुआ, 8, 5 एंड 4 हुआ 9, में से अगर हम 910 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना सोचना है ही नहीं, इतना कुछ सोचने के बाद तो ये लगा लो कि अगर आप इतने नंबर्स लिखने लगोगे तो पेपर कैसे पूरा अटेम्प्ट करोगे। आपको एक ही चीज समझनी है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर एक अननोन नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस एक की कीमत बनी कैसे, एक ये पता लगाओ। आप देखो, 1 लाना है एड या सब्ट्रैक्ट करके, तो 7 और 7 होता है 14, 14 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, 13 को, तो ऑब्वियसली एक बचेगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि इनका टोटल पता लग जाए आपको, फिर पता लगाओ इनका टोटल, और इनके टोटल में से 13 रिजल्ट्स का जो टोटल था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, इतनी सी बात है, हो जाएगा आपका आंसर। चलो 9th क्वेश्चन पर आएंगे और देखते कितने स्टूडेंट्स हमें इस 9th क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है, यूपीएससी सीसेट के अंदर है, ईयर मेंशन नहीं है लेकिन आपको करके दिखाना है। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज 45, एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन इज 55, वेट ऑफ 5th पर्सन। तो अब 5th अपने आप में कितने पर्सन है, 5th तो अपने आप में एक ही पर्सन है, तो अपने आप में अगर ये एक ही बंदा है तो उस एक की वैल्यू आएगी कैसे। मेरे को यहाँ पे दिए हुए हैं 9 पर्सन, थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिए हुए हैं 9 पर्सन, ये हाईलाइटर का कलर क्या हुआ भाई, हाँ येलो कलर लेना है हमने। यहाँ पे 9 पर्सन है, यहाँ पर 5 पर्सन है, यहाँ पे भी 5 पर्सन है, तो क्या 5 और 5 को अगर ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 ही होगा। तो देखो 5 पर्सन का जो हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 की मल्टीप्लाई की हमने किससे, 5 से, इसमें हमने ऐड किया 55 को। अब ये मल्टीप्लाई करनी नहीं है, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 into 50। अब सोच के देखो, क्या अगर मैं इस इन दोनों में से 5 कॉमन ले लूं तो क्या 55 और 45 ऐड हो जाएगा, 5 कॉमन लेने के बाद।
अगर ये ऐड हो जाएगा तो क्या ये 100 हो जाएगा? अगर ये 100 हो गया तो क्या हम इसको 500 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 500 में से जब हम 450 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। कितना आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या सर हम इससे पिछले सवाल में ऐसा कर सकते थे? क्या आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या पीछे भी ऐड कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो आप एक चीज़ और सीख गए हो। वापस चलते हैं पिछले रिजल्ट पे और पिछले क्वेश्चन को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और अब हम इसको चलते हैं एक और पेज पे और यहाँ हम इस क्वेश्चन को चिपका देंगे। और ये अब बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अगर 7 है और यहाँ पे भी 7 है तो आपको खाली क्या करना है, 7 × इन दोनों का सम कर लो। ये कितना हो गया, 75 और 5 हो जाएगा 80 एंड 60 हो जाएगा 140। इसमें से आप 13 × 70 सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन 70 ले सकते हो। तो अगर 70 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 7 × 14 -13। कितना आसान हो गया, 70 में से कितना गया है फटाफट से बोलो। 70 में से कितना, सॉरी 70 यहाँ पे आएगा बाहर और यहाँ 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 70 × 1 कितना होता है, 70। तो देखा कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। कहाँ हम इतनी मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, हम 525 निकाल रहे हैं, 455 निकाल रहे हैं पेपर में और फिर इनको ऐड करके 980 लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 910 निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का। यार पेपर आता है कॉमन सेंस से करने के लिए। ये सारी चीजें जो होती है ना, इन स्टेप्स के नंबर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में मिलते हैं, आपके पेपर में जो आपके स्कूल डेज में हुआ करते थे। अगर वहां ये चीज आप लिखते तो टीचर शायद आपको वेरी गुड भी लिख के दे देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों को अगर आप लिखोगे तो वो बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा। यहाँ हमने एक स्मार्ट वर्क सीखा है कि जब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जहाँ दिखते हैं तो खाली उनकी एवरेज को ऐड कर लेना है, कॉमन ले लेना है और आंसर निकाल देना है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन बड़े प्यार से आपने कर लिया। अब है 10th क्वेश्चन की बारी। देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, बहुत अच्छी बात है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर 6.5, एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर 8.5, एवरेज। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इफ द मिडिल नंबर इज रिमूव्ड, अगर मिडिल वाले नंबर को ही रिमूव कर दें, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 14 नंबर्स। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सेम पैटर्न पे, अभी जो एग्जाम्स हुए दिल्ली के अंदर डीटीसी मैनेजरियल पोस्ट पे एक एग्जाम हुआ था, उसकी गजेटेड पोस्ट है वो, और जो पे स्केल है उसका वो 4800 था। तो उस एग्जाम में काइंड ऑफ कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को अभी मिला। तो मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको करा रहा हूं, वो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। कल को ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी किताब से मेहनत करके जा रहे हो और कोई भी टीचर यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अपडेटेड आप कर ही नहीं रहे अपने आप को। आप एक साल के अंदर ना, आपको अगर मैथ्स में आपको ग्रोथ चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको मेथड्स भी आने चाहिए मेरे दोस्त। साथ में आपको एक साल में जितने पेपर हुए हैं कम से कम एटलीस्ट 45 सेट्स आपको ऑब्जर्व करके चलने होते हैं। तो वो ऑब्जर्व मैं करके लाया हूँ आपके लिए और मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो सबसे पहली बात कि मेरे को रिमूव अगर कोई नंबर करना है किसी सीरीज में से, तो सबसे पहले मुझे वो नंबर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मिडिल नंबर। मैंने लिखा मिडिल नंबर और मिडिल नंबर के लिए मैंने क्या देखा भाई, मुझे चाहिए एक, मिडिल में तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट 15 नंबर्स, यहाँ पे है फर्स्ट 8 और यहाँ पे है लास्ट 8। 8 और 8 को हम देखते हैं कोई कोरिलेशन बन रहा है, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 और 8 16, 16 में से 15 जाएगा तो वो मिडिल नंबर होगा। इसका एवरेज 6.5 है, लास्ट 8 का 8.5 है, 6.5 में 8.5 को ऐड कर दो, 9 and 6 15 हो जाएगा। और 15 नंबर्स का एवरेज क्या था, 7 था। जैसे ही 15 कॉमन लोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी 8 माइनस 7, 8 माइनस 7
वन होता है 1 × 15 होता है 15। हमें पता है 15 नंबर्स, 15 नंबर्स का एवरेज है 7। तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं? अभी मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा, इसके लिए भी हम एक ट्रिक देखेंगे, लेकिन बाद में पहले इसको अच्छे से सीखो। 15 नंबर हैं और एवरेज है 7, तो क्या मैं कह सकता हूं उनका टोटल हुआ 105? बिल्कुल 105 होगा। अगर मैं उसमें से मिडिल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मिडिल नंबर की वैल्यू खुद 15 थी, तो नंबर रह जाएंगे 14। मैंने एक नंबर घटा दिया जिसकी वैल्यू 15 थी, तो रिमेनिंग 14 नंबर्स का जो टोटल है वो आ गया 105 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करके, जो कि है 90 के बराबर। अगर 14 नंबर का टोटल 90 हो, 14 नंबर्स का जो टोटल है वो 90 हो, तो क्या आप मुझे उसका एवरेज बता सकते हो? क्या आप अब इस कैपेबल हो कि मेरे को आप एवरेज बता दो? बिल्कुल बता सकते हैं। एवरेज हो जाएगा 90/14, 14 6 जा 84, कैरी 6 60 हो जाएगा, तो 14 4 जा, तो 6.4 मिल गया। 6.4 यहाँ पे भी दे रखा है, 56 आ जाता है ना, 16 14 4 जा 56। तो कुल मिला के हमें ये ऑप्शन में दिख रहा है 6.42, तो हम कहेंगे भाई ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक के जरिए सर ने हमें ये सिखा दिया है। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 11 तक लेके चलते हैं इस बातचीत को। मैं माइक को भी देखता रहता हूँ, क्योंकि इसमें अगर लाइट नहीं जलेगी तो फिर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, और ये जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत प्रयास कर रहा हूँ ये थोड़ा सा इसमें खलल पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो माइक की बत्ती भी जलती रहनी चाहिए, जो मुझे दिख रही है जलती हुई। और आप कोशिश कीजिए कि अब आप 10 सवाल मैंने आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ में आया है, तो अब 11वां सवाल आप खुद करके देखो। पेन कॉपी लेके बैठा करो मेरी क्लास में, मैं पहले ही बोलता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। यार ये ओड नंबर क्या चीज है? ओड नंबर्स का एवरेज 53 है, ये लगातार ओड नंबर है, और सबसे छोटे ओड नंबर को वो मेरे से पूछना चाह रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक्स, कोई भी ओड नंबर हो उससे अगला ओड नंबर, उससे अगला ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर अगर आएगा ना नेक्स्ट, तो वो 2 के गैप में ही आएगा। तो बच्चा लिख लेता है एक्स, उसके बाद लिख लेता है x+2, उसके बाद लिख लेता है x+4, और ऐसा 9 बार लिखेगा वो, क्योंकि कुल कितने नंबर हैं भाई, 9। चलो मैंने माना कि आपको आता है, बेसिक आप जानते थे, आपने लिख लिया, आपका आंसर आ गया है ना, बच्चा खुश हो जाता है, उसका एक बार आंसर आना चाहिए कि सर आ तो गया आंसर, मेरा गलत थोड़ी ना है। अगर मैंने बोला कि भाई अगर वहां 95 नंबर्स हो जाएं, तो क्या पूरा दिन लगा दोगे लिखते में? ऐसा थोड़ी ना चलता है, पेपर में ही थोड़ी ना है सारे के सारे नंबर लिख के आने तुमने। वहां आपकी कॉमन सेंस की ज्यादा वैल्यू है एग्जाम में, इंस्टेड के आपका ज्ञान कितना है। समझो मेरी बात, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें चाहे ओड नंबर लिखे हो या इवन नंबर लिखे हो, जितने भी नंबर हैं उनमें से एक घटा दो, 9 में से 1 गया कितना बचा, 8। अगर वो आप एवरेज में जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो आपको लार्जेस्ट मिलेगा, और अगर वो आप एवरेज में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट मिलेगा। कहानी बड़ी सिंपल है, तो 9 में से 1 गया 8, अगर मुझे 8 मिल गया और मैं 53 में से 8 को घटा देता हूँ, 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 13 में से 8 गया 5, 45 टोटल मिल गया, तो ये 45 जो होगा ना वो लीस्ट होगा। समझ आया कैसे करना है? इस तरीके से करना है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने स्टार्टिंग में एक भैया जी दिखाए थे हमें, है ना, वो क्या बोल रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए एवरेज मिडिल टर्म होती है, मेरे लिए एवरेज मिडिल टर्म होती है। ये देखिए, आई एम समवेयर इन द मिडिल, और मैंने आपको बताया था वैसा कब लेते हैं, जब गैप कॉन्स्टेंट होता है। मैंने ये बात बोली थी आज की क्लास में, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो, चाहे वो एपी हो, चाहे वो फिर लगातार नेचुरल नंबर लिखे हो,
अगर गैप कांस्टेंट है तो जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगी। क्या होगी भाई, फटाफट से बताओ, मिडिल टर्म। तो हम ये कह सकते थे इस क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप एक तरीके को समझो, आप गिनती लिख लो, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, पहले नंबर पे पहला नंबर आएगा, दूसरे पे दूसरा आएगा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, पांचवे पे पांचवा, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और लास्ट नाइन्थ नंबर पे नौवा नंबर आएगा। अब इसमें से अगर मैं शुरू के फोर छोड़ दूं, लास्ट के फोर छोड़ दूं, तो ये मिडिल नंबर हुआ, और यही मेरा एवरेज होना चाहिए। अगर ये मेरा एवरेज 53 है और नंबर्स मेरे ओड हैं, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 55, उससे अगला 57, 59 और ये 61। अगर मैं दो दो कम करते हुए चलता हूँ तो ये आया 51, नीचे यहाँ मुझे मिलेगा कितना, 49, और ये मुझे मिलेगा कितना, फटाफट से बोलो। ओके, मैंने यहाँ पे एक नंबर छोड़ दिया, ये 53 कौन सा नंबर था, फिफ्थ, तो फोर्थ नंबर कितना होगा, 51। थर्ड नंबर होगा 49, सेकेंड नंबर होगा 47, और फर्स्ट नंबर जो था वो होगा कितना, 45। वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं, और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन मैंने 11th में दे दिया। तो यही एक कला होती है पढ़ाने की, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो और आप सिलेक्शन दोगे तो फिर इस कला की कोई वैल्यू है, नहीं तो ये कला बेकार है जो हमारे पास है। तो आपका सिलेक्शन ही है, ठीक है, जो है मेरी ताकत या कह लीजिए पूंजी। अगर आप सिलेक्शन देंगे तो मेरा कोई वजूद है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 15,600, ए एंड सी की 14,400 मंथली इनकम ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन दुनिया के हर पेपर में आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप अगर इंटरनेशनल स्कूल्स की कोई मैथ्स की बुक को फॉलो अप कर रहे हो, फॉरेन की कोई किताब आपके पास है जिसमें एक बेसिक कैलकुलेशंस एवरेज का कोई चैप्टर दिया हुआ है और उसमें ये क्वेश्चन नहीं हो, तो आप बता देना, सबके अंदर मिलेगा, लेकिन तरीका करने का हम बताएंगे आपको। देखिए कैसे, जब भी आपको दो व्यक्तियों का एवरेज दे दे, ए और बी का, तो आप खाली वो एवरेज लिख लो 14,000। फिर बी और सी का एवरेज दे रहा है, कंजेकटिव चीजें चलेंगी, एक लूप में चलेंगी, साइक्लिक तरीके से, ए बी बी सी सी ए। बी और सी का एवरेज है 15,600, सी और ए का एवरेज है 14,400। आपको पेपर में क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं मैं पहले, आपको पेपर में इन सबको ऐड कर लेना है। ऐड ऐड करने से आपको पता लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल। जी हाँ, सही समझा आपने, कैसे, हमें नहीं पता लग रहा, चलो पहले ऐड कर लेते हैं। देखो 600 अगर मैं 400 में ऐड कर दूं तो ये भी 15,000 हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा 30, 44,000 आ जाएगा इन सब का सम। आप करके देखोगे तो इतना ही आएगा। अब मैं ये बात प्रूव करता हूँ, प्रूव कि ये 44,000 कैसे है। तो मैं आऊंगा बिल्कुल बेसिक पे। बेसिक क्या बताया था, बेसिक ये बताया था कि यहाँ पे नंबर्स अगर हम देखें, कितने नंबर हैं, दो दो है ना, वो पर्सन भी हो सकते हैं, दो पर्सन दो नंबर, बात बराबर है। तो अगर दो आदमी हैं, वो 14,000 रुपये कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो उनका टोटल इनकम क्या हो जाएगी, उनकी टोटल इनकम हो जाएगी 28,000। बी और सी की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 31,200। और सी और ए की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 28,800। ये कैसे आ रहा है, ये 14,400 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, जब आपने 15,600 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 31,200 आ जाएगा, और जब आप 14,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सबका सम क्या हुआ भाई, सबका सम हुआ 0 0, 8 into 10 कैरी 1, 8 into 10 एंड 10 एंड 8 1 9 एंड 10 और ये 18, जैसा हमने अभी बोला, तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपके पास में 88,000। तो
तो यार ये 88,000 आया, लेकिन क्या आया? सोच के देखो, ये सम है किस किस का? ये सम है ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सम रहा होगा, ये जो वैल्यू है, ये सम रही होगी ये वैल्यू सम रही होगी किस किस की? ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी की, सबका सम होगा। ए कितनी बार है? दो बार। बी कितनी बार है? दो बार। और सी कितनी बार है? दो बार। यानी डबल ए बी सी की वैल्यू अगर 88,000 है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी सी की वैल्यू होगी, हम इसको दो से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 44,000। तो आपको ट्रिक क्या समझनी है? पहले तो इतना आपको समझना है, इतना आपको आना चाहिए। अगर इतना आपको आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से आप कर लोगे। देखो मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी ए और बी का आपको एवरेज मिल जाए, साइक्लिक तरीके से बी और सी का एवरेज मिल जाए, ए और सी का एवरेज मिल जाए, तो आप इन्हीं एवरेज की वैल्यू को ऐड कर देना। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको सबका सम मिल जाएगा जो 44,000 के बराबर है। तो हमें इस वाले मेथड से नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर अपना निकाल लेंगे। किसका आंसर निकाल लेंगे? सम का आंसर निकाल लेंगे। अब आती है इसके आगे की कहानी। वो पूछेगा आपसे कि इनमें से किसी एक की इनकम क्या है। मान लीजिए उसने पूछ लिया सी की इनकम क्या है, तो अगर आपको सी चाहिए तो आप ए और बी और सी, आपके पास तीनों की वैल्यू है, इसमें से अगर आप ए और बी की वैल्यू को घटा देंगे तो हमें कौन मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो आपके पास जब सबकी वैल्यू थी 44,000, जो कि टोटल है ए बी सी का, अगर सी निकालना चाहते हो तो ए और बी के टोटल को घटा दो, आपके पास ए और बी का एवरेज है 14,000, तो टोटल कितना हुआ? 28,000। अगर 14,000 एवरेज है दो बंदों का, तो एवरेज 28,000 होगा। तो अब अगर मैं 28,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा 16,000, जो किसकी वैल्यू होगी? सी की। तो मिल गया आंसर, यह है ऑप्शन नंबर वन। इतनी सी बात है कि आपको इतनी बात में आपका पेपर में इस पूरे सवाल में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 50-50, वाई एंड जेड 60-50, जेड और एक्स की वैल्यू 50-200। तो सबसे पहले मैंने क्या किया पेपर में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाली। वो वैल्यू निकलेगी मेरी इन सभी वैल्यूज के सम के बराबर, ठीक है। अब इनका सम कितना आएगा? तो पहले ये 50 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6300। 6300 में 5200 ऐड कर लो, और आपके पास ऊपर वैल्यू है 5000, बहुत आसान है ऐड करना, 16,500, 16,500 आ गया। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16,500। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं वाई और जेड की वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वाई और जेड मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई एंड जेड इज 6250। तो इसका डबल क्या हो गया? इसका डबल हो गया 12,500। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी बची? 4,000। ये किसकी वैल्यू होगी? एक्स की। तो आपने देखा, मतलब इसको कहते हैं हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा का चोखा, एक हिंदी का मुहावरा होता है। मतलब आपने कुछ ऐसा काम यहाँ पे कर दिया है कि आपको एवरेज भी नहीं निकालना पड़ रहा, आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी पड़ रही, और आपका आंसर 10-15 सेकेंड के अंदर आ जा रहा है। तो अब 13th के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द थ्री नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट आल्सो थ्राइस ऑफ थर्ड। तो मेरे पास मेरे भाई तीन नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो सेकंड नंबर है ना, उसकी बात हो रही है, ये फर्स्ट का तो डबल है और थर्ड वाले का तीन गुना है। तो तीन गुना होने के लिए अगर मैं इसको दो मान लूं, थर्ड वाले को मैंने दो मान लिया, तो दो का तीन गुना कितना होता है? छह। अब हमें पता है सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो अगर ये फर्स्ट का डबल है तो फर्स्ट कितना रहा होगा? तीन रहा होगा। मुझे इन सब का रेशियो पता लग गया। एवरेज ऑफ द थ्री, ऑल द थ्री नंबर्स इज 44। तो मुझे क्या पता लग जाएगा? सबका सम पता लग जाएगा।
तो सम क्या हो गया? सम हो गया एवरेज इनटू में नंबर्स। तो एवरेज है 44, नंबर है कुल मिला के 3, तो 132 इनका सबका सम हो गया। अगर मैं बोलूं सबका सम 32 है, सबका सम 32 है और सबके सम में मेरे पास 3 नंबर हैं, 3 नंबर का ही सम कितना है? 132। तो ये जो 32 है ये कुछ इस तरीके से होगा, इन तीनों को ऐड करके 32 आएगा। अब सबसे बड़ा नंबर कितना है? सबसे बड़ा नंबर होगा 6। तो लार्जेस्ट की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो निकालेंगे 6 आउट ऑफ कितना? इन सबका सम करो, सबका सम क्यों? क्योंकि ये जो 32 है ये सबका सम है, तो 6 आउट ऑफ 11 इनटू में 32। ओके, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू निकली थी सम की 132 है, मैंने यहाँ पे खाली लिखा है 32, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये 32 की जगह पे हम लिख लेंगे 132। अब इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा 11 से, 11 से ये 12 पे कट जाएगा, तो 12 सिक्सा कितना हो जाएगा? 12 सिक्सा हो जाएगा 72। तो हमें हमारा आंसर मिल गया जो सेकेंड ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 40। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, फर्स्ट नंबर ट्वाइस है किसका? सेकेंड का। आप एकदम से 1 और 2 का रेशियो मत लिखिए, पहले पढ़ लीजिए ये लाइन। एंड थ्राइस ऑफ थर्ड, तो हमने यहाँ पे थर्ड का थ्राइस मानने के लिए मेरे को यहाँ पे इवन नंबर मानना है, इसका थ्राइस मैंने किया तो आ गया ये 6। फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड। ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई छोटी सी, क्या कि सेकेंड इज थ्राइस ऑफ थर्ड, तो सेकेंड वाला क्या है? थ्राइस है, सेकेंड वाला होगा 6 और अब फर्स्ट वाला बड़े आराम से निकल जाएगा, फर्स्ट वाला इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का ट्वाइस कर देते हैं। अगर मैं अब इस रेशियो को देखूं तो ये 2 से कट रहा है, अगर मैं 2 से काट दूं तो 12 कटेगा कितने पे? 6 पे। 6 गया कितने पे? 3 पे, और ये गया 1 पे। अब आपकी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई है। अब आप चाहे तो आप 1 मिनट का समय लेके एक बार पढ़ के देख लीजिए, और अगर आप पढ़ के समझ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, तो इसका सॉल्यूशन बता दो फटाफट। कह रहा है सबका एवरेज 40 है, नंबर कितने हैं आपके पास? नंबर है 3। अगर एवरेज 40 है तो सबका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 120। 120 का जो सम है वो 6:3:1 के रेशियो में है। वो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपको ना तो लार्जेस्ट निकालना है और ना स्मॉलेस्ट निकालना है, खाली यहीं पे आप रेशियो में उनका डिफरेंस ले लो। कितना आया? 5। कितने में से आया? इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सम, 5 आउट ऑफ 10, जो कि हाफ होता है। और 120 का हाफ कितना होता है? जल्दी से बोलो, 120 का हाफ होता है 60। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर एकदम से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, कुछ बेसिक सवाल हमने पढ़े एवरेज से रिलेटेड। अगली क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनमें मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से पूरा चैप्टर एवरेज का हमारी उस ट्रिक के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज इतना ही, अब अगली वीडियो देखिए, अगली वीडियो में फिर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद।